नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और डेली के भांति आज एक और वीडियो लेकर मैं आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर और इसके नीचे मैं बनता हुआ दुकान का डिज़ाइन दिखाऊँगा। इसको देखते हुए आप बहुत सारा आइडिया लगा सकते हो। इस बनते हुए मकान का साइज़ की बात कर लिया जाए तो इसे 45 फीट बाई 45 फीट में बनाया जा रहा है। सामने की तरफ आप देखोगे तो आपको तीन दुकान ग्राउंड फ्लोर में नज़र आएगा और ये जो आप लगभग 6.5 फीट चौड़ा जगह देख रहे हो, ये सीढ़ी के लिए एलोकेट किया गया है। देख रहे हो सीढ़ी यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये रहा कुछ इस तरीका से इस सीढ़ी रूम का डिज़ाइन। यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ा सा बॉक्स आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है। तो इस तरीका से इस घर का सीढ़ी को बनाया जा रहा है। नीचे में आपका तीन दुकान आप आसानी के साथ देख सकते हो। और इस घर के अंदर जाने के लिए आप देख सकते हो लगभग 4 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे मेन डोर लगाया गया है। इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे एक सुंदर सा बालकनी बनाया जा रहा है। आप देख सकते हो कि 3 फीट से 3.5 फीट के आसपास में बाहर की तरफ छज्जा है वो निकाला गया है और बीम को कुछ इस तरीका से दिया गया है ताकि जब छज्जा बाहर निकाले इसके ऊपर में बालकनी बनाए तो भी आपको किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। चलिए मैं आपको कॉर्नर से दिखा देता हूँ। बीम का साइज़ का बात कर लिया जाए तो 12 इंची बाई 9 इंची का यहाँ पे बीम निकाला गया कुछ इस तरीका से। इसके ऊपर में जो बालकनी बनाया जा रहा है उस पर आप गौर करोगे तो देख सकते हो कि कास्टिंग के द्वारा आप कॉलम आकार का देख सकते हो 9 इंची बाई 4 इंची का कुछ इस तरीका से दो पट्टी डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, दूसरा एंगल से भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कुछ इस तरीका से इसका बनावट है। इसमें एक विंडो भी आपको मिलता है जो कि बॉक्स नुमा डिज़ाइन का है। आप देख सकते हो ज़्यादातर लोग इसी विंडो के साथ आजकल अपना घर है वो बना सकते हैं। इस ग्रिल का बात किया जाए तो 10-5 का जो पत्ती आता है उसके साथ में से बनाया जा रहा है। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का बालकनी है इस घर के लिए। और दाहिने साइड में आप देखोगे तो दाहिने साइड में भी जो ब्रिक वर्क किया गया है ये देखिए कुछ इस तरीके से किया गया है। लगभग 4 से 4.5 फीट चौड़ा यहाँ पे 5 इंची का दीवार जोड़ा गया है और खिड़की के लिए देख सकते हो बॉक्स नुमा डिज़ाइन का इस्तेमाल यहाँ पे भी किया जा रहा है। बालकनी के पास देख सकते हो जहाँ पे रेलिंग का प्रयोग किया जाना है यहाँ से लेकर यहाँ तक वहाँ पे लगभग 3 रद्दा जोड़ाई किया गया है। पहला रद्दा बाहर की तरफ निकाल के जोड़ा गया ताकि यहाँ पे आपको एक स्टेप डिज़ाइन मिल जाए, सीढ़ी नुमा डिज़ाइन है वो मिल जाए। तो इस तरीका से इस घर को बनाया जा रहा है। नीचे में दुकान और इसके साथ साथ बाएं साइड में सीढ़ी और ऊपर में आप देख सकते हो मकान स्टेप से बनाया जा रहा है। आने वाले दिन में एक सुंदर सा आपको बालकनी डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट होने के बाद भी आप लोग के लिए वीडियो ला दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।